दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लास्ट जो 4 वीडियोस है मोरा गैम्बिट, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है आप सभी लोगों ने और पेशेंट बना के काफ़ी अच्छे से इसे वॉच किया है। तो मोरा गैम्बिट जो वर्ल्ड की फेमस लाइन सिसिलियन डिफेंस अगेंस्ट हमने वीडियो बनाया था, अब आज मैं आपको आज से ही हम ले एक नई लाइन तैयार कर रहे हैं। नई लाइन मतलब बहुत सारे लोगों को e4 अगेंस्ट खेलने में प्रॉब्लम होता है। e4 अगेंस्ट कई लाइनें हैं, वाइट ज़्यादातर अभी वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग में e4 खेली जाती है। आप चेस बाइट्स में देखोगे तो डेटाबेस में सबसे पहला मूव e4, मतलब ज़्यादा कॉमन मूव है e4। यहाँ पे ब्लैक कन्फ्यूजन में ये है, आप लोग चूज करने में कन्फ्यूज हो जाते हो कि मैं सिसिलियन खेलूँ या फिर कैरोकान खेलूँ या फिर e6 खेलूँ, nf6 खेलूँ, अलेखाइन डिफेंस, बहुत सारी लाइन है e4 अगेंस्ट। स्कैंडिनेवियन ये मेरी फेवरेट लाइन है दोस्तों। अब स्कैंडिनेवियन ब्लैक से शुरुआत से अटैकिंग लाइन है, बहुत ही अग्रेसिव अटैकिंग लाइन है। अगर व्हाइट के अगेंस्ट आपको अटैकिंग लाइन खेलना है तो स्कैंडिनेवियन ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। मैं बहुत सारे गेम्स जीत भी चुका हूँ स्कैंडिनेवियन में। यहाँ पे मैं इसके सारे वेरिएशन आपको बताऊंगा, 1x1 ऑल वेरिएशन आपको लिखवाऊंगा, आपको स्टडी करना है और इसके सभी वेरिएशन से गेम भी खेलना है। हर एक वीडियो में मैं आपको एक गेम भी खेल के बताऊंगा लीचेस में, ब्लिस गेम। तो वहाँ से हमारी लाइन में क्या प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए रेडी हो जाइए बुक पेन लेके, तो स्टार्ट करते हैं स्कैंडिनेवियन डिफेंस। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सभी वीडियो देखिएगा इस लाइन के, क्योंकि स्कैंडिनेवियन में मेरे पास 60 जितनी वेरिएशंस रेडी है। सभी वीडियो आप देख लोगे तो इसमें आपकी मास्टरी 100% आ जाएगी। हर एक मूव के अगेंस्ट मूव बाय मूव मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत ही पेशेंस के साथ हर एक वीडियो में नोट डाउन करके आप अपनी बुक बना सकते हैं। एक पूरी बुक का नाम दे सकते हैं द स्कैंडिनेवियन डिफेंस। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है, 1x1 मैं सारे बताऊंगा, जिसमें पोर्टुगीज गैम्बिट, आइसलैंडिक गैम्बिट, इस तरह के अलग अलग नेम लिए हुए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं स्कैंडिनेवियन डिफेंस पहला भाग, द पोर्टुगीज गैम्बिट। पोर्टुगीज दोस्तों बहुत ही अटैकिंग लाइन है। मैं तो यही कहूंगा कि सिसिलियन बहुत सारे लोग खेलते हैं, बहुत लोगों को पसंद है सिसिलियन c5, बहुत लोगों को पसंद है, पर मैं क्यों मना कर रहा हूँ सिसिलियन खेलने से, क्योंकि इसमें वाइट को भी बहुत अटैक का चांस रहता है। लाइक f3 वेरिएशन होता है, f4 क्वीन f3 अटैक आता है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पैलेकाइन अटैक आता है, बहुत सारे टाइप के अटैक्स इसमें सहन करने पड़ते हैं। और सिसिलियन में क्या होता है, सिर्फ एक मूव की मारामारी होती है, अगर एक मूव जो पीछे रह जाता है वो गेम लॉस हो जाता है। तो उतना लेवल हमारा नहीं होता कि सुपर ग्रैंड मास्टर की तरह एक मूव हम पीछे रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला पार्ट है द स्कैंडिनेवियन डिफेंस, जिसका नाम है चैप्टर 1 द पोर्टुगीज गैम्बिट। इसमें डिफरेंट टाइप के बहुत सारे वेरिएशन हैं। तो पहले मेन 6 मूव मैं बताना चाहूंगा। पहला चैप्टर है, उसका नाम है द बैंकर। आप कुछ भी नाम रख लो अपने हिसाब से, या फिर चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसा कर दो। e4 हमें ब्लैक से खेलना है, d5 दोस्तों डिक्लाइन की लाइन भी है। डिक्लाइन यानी व्हाइट पॉन नहीं मारता है तो e5 करता है तो डिक्लाइन हो जाता है, व्हाइट पॉन कैप्चर नहीं करता है तो Nc3 करता है सेकंड मूव में, तो डिक्लाइन हो जाता है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, मेरे नेक्स्ट टू नेक्स्ट कोई भी एक वीडियो में मैं डिक्लाइन के लिए भी बनाने वाला हूँ। तो पहले हम एक्सेप्टेड स्कैंडिनेवियन, यहाँ पे व्हाइट मोस्टली पॉन टेक्स पॉन करता है। तो पहला सेकंड मूव है e takes d5। यहाँ पे हमें मॉडर्न वेरिएशन खेलना है, ना कि Qxd5। Qxd5 ओल्ड वेरिएशन है। मॉडर्न वेरिएशन में Nf6, आफ्टर Nf6 यहाँ पे व्हाइट के पास बहुत सारी चॉइसेस होती है, जैसे कि Nf3,
डी फोर सी फोर आइसलैंडिक गैम्बिट नाइट सी थ्री, तो सभी वेरिएशन के बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले डी फोर देखते हैं। डी फोर अगेंस्ट हमें खेलना है पोर्टुगीज गैम्बिट। तो पोर्टुगीज गैम्बिट के लिए आपको पहला मूव बिशप जी फोर करना है डी फोर अगेंस्ट। तो मूव नंबर थ्री आपका होगा बिशप जी फोर। ये तीन मूव आपको एकदम आंख बंद करके याद रह जाएंगे, ई फोर डी फाइव ई टेक्स डी फाइव नाइट एफ सिक्स देन डी फोर और बिशप जी फोर। अब यहाँ हम देखेंगे अलग अलग तरीके से। व्हाइट खेलेगा नाइट एफ थ्री, व्हाइट खेलेगा बिशप ई टू और व्हाइट खेलेगा एफ थ्री। ज्यादा कॉमन मूव है एफ थ्री, इसलिए पहले मैं आपको एफ थ्री वाला वेरिएशन बताना चाहूंगा। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन वाले मूव है। इसमें आपको खेलना है बिशप एफ फाइव, फिर सी फोर, यहां खेलना है ई सिक्स, एफ थ्री सी फोर ई सिक्स, उसके बाद आता है डी टेक्स ई सिक्स मूव नंबर सिक्स। डी टेक्स ई सिक्स और आपका हो जाएगा नाइट सी सिक्स। तो ये सिक्स मूव आप नोट डाउन कर लीजिए, ये पोजीशन बोर्ड के ऊपर सेट कर लीजिए और इसी पोजीशन से आगे मैं बताने वाला हूं। इसमें साइड लाइन है दोस्तों, सिक्स मूव में दो साइड लाइन है जो व्हाइट के लिए अच्छी नहीं है। तो दो साइड लाइन कौन सी है कि जब आप ई सिक्स करते हो, यहां पे ब्लैक से हम फिफ्थ मूव में ई सिक्स करते हैं और सिक्स मूव में अगर व्हाइट ने गलती कर दी यानी कि जी फोर बिशप पे अटैक किया तो ये उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, यानी ब्लंडर है, क्लियर ब्लंडर। अब क्या होने वाला है देखता हूं मैं आपको। नाइट कैप्चर जी फोर। अब देखो दोस्तों, आफ्टर एफ टेक्स जी फोर यहां आएगा क्यू एच फोर चेक। अब यहां पे व्हाइट के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, किंग ई टू और किंग डी टू। किंग डी टू में आपको अपना जो सेक्रीफाइस किया हुआ पीस वापस मिलने वाला है वो बिशप ई फोर से। आफ्टर बिशप ई फोर रुक ट्रैप हो रहा है, तो फोर्स मूव है नाइट एफ थ्री, उसके बाद क्वीन एफ टू चेक। अब देखो क्वीन इंटरपोज किया तो क्वीन टेक्स नाइट और आपका पीस वापस मिल रहा है, और अगर उसने बिशप इंटरपोज किया तो बिशप टेक्स नाइट और आपका पीस सेक्रीफाइस किया हुआ वापस भी मिल रहा है और व्हाइट का पूरा स्ट्रक्चर बर्बाद हो गया और बहुत ही अटैकिंग में ब्लैक यहां से खेलेगा। अब देखते हैं दूसरा वेरिएशन जिसमें किंग ई टू जाता है, तो आप बहुत ही जल्दी जीत जाओगे। ई डी फाइव नाइट एफ सिक्स डैंग डी फोर बिशप जी फोर एफ थ्री बिशप एफ फाइव सी फोर ई सिक्स। यहां मैंने दिखाया कि साइड लाइन यानी डी टेक्स ई सिक्स के बजाय जी फोर, ये ब्लंडर आपको नोट डाउन करना है। यहां पे नाइट सेक्रीफाइस तुरंत आ रहा है। अब अगर उसने पॉन टेक्स नाइट लिया है तो आपको क्वीन एच फोर चेक देना है। पहले हमने देखा कि किंग डी टू ये गलत है, पर किंग ई टू उससे भी बड़ी मिस्टेक है। यहां आपको उसकी व्हाइट की क्वीन मिल जाएगी और वो भी फोर्स मिल रही है, जैसे कि बिशप जी फोर चेक स्क्यूअर। आप सोचोगे कि नाइट इंटरपोज होगा, पर नाइट इंटरपोज से कुछ फायदा नहीं है। बिशप टेक्स नाइट चेक, किंग टेक्स एफ थ्री और क्वीन एच फाइव चेक, देन किंग एफ टू और आपको उसकी क्वीन मिल रही है। तो दोस्तों ये ट्रैप आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत बार मैं खेल चुका हूं ये गेम। अब हम देखते हैं मेन लाइन में। मेन लाइन में सिक्स्थ मूव आपको कर देने हैं पहले, फिर अलग अलग आप अपने बुक में ऐसे कॉलम बना सकते हो, वेरिएशन वन वेरिएशन टू आफ्टर सिक्स मूव, आफ्टर सिक्स मूव वेरिएशन वन वेरिएशन टू वेरिएशन थ्री ऐसे। तो देखते हैं पहले हम सिक्स मूव कर देंगे बोर्ड पे। ई फोर डी फाइव डी फाइव नाइट एफ सिक्स डी फोर देन बिशप जी फोर एफ थ्री बिशप एफ फाइव एंड देन सी फोर ई सिक्स डी टेक्स ई सिक्स और नाइट सी सिक्स। ये हो गए हमारे छह मूव कंप्लीटेड। आप सोचोगे क्वेश्चन भी करोगे कि यहां पे सर ऑलरेडी ब्लैक
दो पॉन डाउन हो चुका है तो ये गेम कैसे जीत सकता है ब्लैक। पर कंप्यूटर में ये पोजीशन आप डालोगे तो ब्लैक को प्लस बताएगा। एनालाइज पोजीशन में आप डालोगे इंजन में तो वो ब्लैक को यहाँ से प्लस बताएगा। वैसे है पॉइंट की दृष्टि से माइनस, लेकिन पोजीशन बहुत ही अटैकिंग पोजीशन है। अब यहाँ से सारे मूव फोर्स आएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे दो वेरिएशन, एक तो है ई क्रॉस F7 चेक, दूसरा है D4 पॉन बचाने के लिए बिशप E3 सपोर्ट बाय बिशप। तो पहले हम देखेंगे E F7 चेक। दोस्तों E F7 चेक, हाँ इसमें भी मैं आपको साइड लाइन बताना चाहूंगा, आप नोट कर सकते हो। यही पोजीशन में आप पूछ सकते हो कि D5 क्यों नहीं। तो अगर D5 आता है तो यहां से 16 मूव तक का मैं आपको वेरिएशन बताऊंगा, Nb4। अब दोस्तों सारे मूव फोर्स है, कैसे फोर्स है, Nc2 फोर्क की थ्रेट है। तो Nc2 से बचने के लिए Na3 हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है व्हाइट के पास। Na3 में आप खेलोगे बिशप C5, बिशप D2, ये आपके नाइट को डिस्टर्ब करने के लिए और अपना बिशप डेवलप करने के लिए खेल सकता है। बेस्ट मूव ये है बिशप D2 में, यहां पे आपको कर देना है कैसलिंग, Qb3। अब आपके नाइट के ऊपर डबल थ्रेट आ गई बिशप और क्वीन की, सिंपल A5 करके उसे सपोर्ट कर दो। बिशप E2, आपको लगेगा कि व्हाइट ऑलरेडी दो पॉन अप है और व्हाइट का धीरे 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 डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट नहीं है। अभी भी व्हाइट के सारे पीसेस सो रहे हैं, ब्लैक के पीसेस एक्टिव है। क्यों, यहाँ पे बिशप E2 में F क्रॉस E6, D क्रॉस E6 और Rook E8, ये सरप्राइज मूव है। कई लोगों को ये मानने की बहुत जल्दी होती है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, वो पॉन कहीं भी जाने वाला नहीं है। सिंपल अटैक बढ़ा के उसे मारो, डेवलप करके मारो। Re8 देन G4, बिशप पे अटैक, सिंपल बिशप G6, कुछ नहीं होगा। आफ्टर बिशप टेक्स B4, पॉन टेक्स B4, यहाँ पे हम बिशप से ले सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा बेटर ये मूव लग रहा है Ax b4, नाइट पे अटैक के साथ में, टेम्पो के साथ में Nc2, Rook क्रॉस E6, King f1। अब King f1 जरूरी मूव हो जाएगा। अब क्यों जरूरी हो जाएगा, King f1 अगर नहीं खेला तो नेक्स्ट मूव में हमारी थ्रेट है Bishop into Knight, रुक टेक्स बिशप, देन बिशप D3, सिंपल आपको बिशप वापस मिल जाएगा। तो King f1 अपना पीस सेव करने के लिए खेलेगा और यहाँ पे Qd2 विथ डबल अटैक, और यहाँ पे ब्लैक विन हो जाएगा, जो अपनी पीस यहाँ से वापस मिल रहा है। Bishop takes knight और Qd2 e2, बहुत सारे थ्रेड्स है यहाँ पे दोस्तों। तो ये हो गई साइड लाइन। अब हम E F7 वाली मेन लाइन देख रहे हैं, E4 D5 E takes D5, Nf6 D4 Bg4 F3 Bf5 C4 E6 D takes E6 Nt6 C6 E cross F7। इससे पहले हमने देखा तुरंत D5, तो E cross F7 में King cross F7 ये ज्यादा बेटर हो जाएगा ब्लैक के लिए, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कैसलिंग भले ही ब्रेक हो गया लेकिन ब्लैक को इसमें कैसलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल कैसल आपको मैं बता देता हूँ कैसे हो जाएगा, अभी तुरंत हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट को ये सारे रिप्लाई देने बाकी है। अभी ये पोजिशन में आप देख सकते हो कि ब्लैक के सारे पीसेस एक्टिव हो चुके हैं, जबकि व्हाइट के सभी पीसेस फर्स्ट रैंक पे पड़े हैं। अभी तक मूव नंबर हो गए 7, लेकिन व्हाइट का कोई भी माइनर या मेजर पीस बाहर नहीं आया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ब्लैक को मिलता है। तो E F7 देन King F7, उसके बाद यहां से मैं आपको तीन लाइन बताऊंगा। फर्स्ट व्हाइट को बिशप E3 से सपोर्ट करना है,
दूसरा जो है पॉन एडवांस करके नाइट पे अटैक करना है, और तीसरा नाइट E2, ये ज़्यादा इतना कॉमन नहीं है। तीनों वेरिएशन हम देख लेंगे। D5 अगर किया वाइट ने, अब आपको यहाँ से तीन भाग पड़ देने, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, आफ्टर 7 मूव D5 तो Nb4 फॉर्क की थ्रेट, Nae3 फोर्स मूव, देन Bc5, Bc5 Re8 चेक की थ्रेट, तो यहाँ पे वाइट खेलेगा Bc2, यहाँ पे Re8, King f1, यहाँ फिर से King f1, क्यों King f1? आप जानते हो दोस्तों, King f1 नहीं खेला तो मैं बिशप से नाइट मारूंगा और उसके बाद Bd3 और हमें ये पीस मिल जाएगा, तो King f1 फोर्स मूव है। आफ्टर King f1 Nh5, अगर वाइट ने यहाँ पे g4 खेला तो ये ब्लंडर मूव है, यहाँ पे आप कर दोगे रुक सेक्रीफाइस, Re2, ब्रिलियंट मूव, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है स्कैंडिनेवियन में, बहुत मजा आएगा आपको ये पूरे पोर्टी गेस देखने में। आफ्टर Qe2 Bd3 और ब्लैक विंस द क्वीन, तो Qe2 नहीं पॉसिबल, Ne2, नाइट से अगर रुक मारा तो नेक्स्ट मूव में Qh4 और अनस्टॉपेबल चेकमेट हो रही है यहाँ पे। जैसे अगर Qe1 किया तो Qh3 चेकमेट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर नाइट से उसने रुक को नहीं मारा है तो तीसरा ऑप्शन है King takes E2, King takes E2 में भी अनस्टॉपेबल मेट आएगी आफ्टर Qh4। आपके दो दो पीस मरते पड़े हैं बहुत सारे, आपने सेक्रीफाइस भी दिया है, तो फिर भी आप गेम आसानी से क्यों जीत रहे हो, यही खासियत है पोर्टुगीज में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरी वेरिएशन, आफ्टर Bc3 E4 D5 Ed5 Nf6 D4 Bc4 F3 Bf5 C4 E6 Dxe6 देन Nc6 Ef7 King x F7 और यहाँ पे चेंजिंग आएगा वेरिएशन नंबर 2 Bc3 आफ्टर Bc3 Bc4 चेक देन King f2 Re8 यहाँ पे a3 ये पकड़ लेना, ये गलत मूव है। क्यों गलत मूव है बताता हूं मैं आपको, Re3 यहां भी रुक सैक्रिफाइस आ रहा है पोर्टुगीज, इसीलिए मुझे पसंद है, बहुत सारे मूव्स में बहुत सारे सैक्रिफाइस वाली लाइन है Re3। इसमें अगर King e3 किया तो Bc5, इसके बाद कंटिन्यू ब्लैक के हाथ में गेम है, Bc5 के बाद ब्लैक आसानी से गेम जीतेगा, उसके बाद कैसे जीत सकता है। King takes E3 के बजाय अगर उसने आपके बिशप को ही मार दिया, जैसे कि आपने रुक क्रॉस पीस मारा है, उसने आपके बिशप को मार दिया, तो फिर यहाँ पे Rd3 बहुत ही शॉकिंग मूव। आफ्टर Rd3 Bc3 Qd4 चेक और फिर ब्लैक विंस द गेम। तो दोस्तों ये थी पोर्टुगीज गैम्बिट में पहला जो वेरिएशन है, वेरिएशन 1 और 2। नेक्स्ट वेरिएशन मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में।